सो हेलो फ्रेंड्स, जय शंकर, वेलकम टू बिलेज शर्मा ब्लॉग की नई वीडियो पे। तो बहुत ही दिनों बाद आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज आई एम बिजी फॉर लिटिल प्रोजेक्ट। सो नाउ आई एम फ्री एंड ओपन द कैमरा फॉर मेकिंग सम ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइस। सो नाउ स्टार्ट द न्यू वीडियो। इट्स अ ट्रैवल वीडियो, बट वी आर नॉट डिसाइडेड भी कहाँ जाएंगे हम, कोई डिसाइड नहीं है। बस कैमरा ओपन कर दिया है और ऐसे ही आपको थोड़ा सा इंट्रो देना शुरू कर दिया है, बिकॉज बस निकलना है आज और एक बढ़िया सा कंटेंट करना है और ट्रैवल वीडियो लेके यानी है आपके लिए। हम फुल एनर्जी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करेंगे और आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही प्यारी जगह, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की फेमस जगहें हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे। और एक आपको अच्छी बात सुना देता हूँ, धौलाधार रेंज पे स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। आगे आने वाला विंटर सीजन बहुत ही प्यारा जाएगा, बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रैक आएंगे अगर आपकी सपोर्ट रही तो। और बट इन दिस ट्रैवल वीडियो अमन इज़ नॉट जॉइनिंग मी because he is busy in office work. okay, so now मेरे साथ नया फ्रेंड जाएगा, उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपके साथ। तो देखते हैं कहाँ निकलते हैं, कहाँ नहीं निकलते हैं। उसको भी घूमना है, मेरे को भी घूमना है, वीडियो बनानी है और आपको भी घुमाना है, ठीक है। तो नाउ सपोर्ट रखें गाइज और चलो मिलता हूँ मैं आपको रेडी होके सफ़र पे। ओके ठीक है, चलो गाइज़ हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ जाएंगे और मेरा दोस्त भी मेरे को मिल गया है और हमने सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है जब हम कांगड़ा की तरफ जाते हैं तो हम कहाँ से अपना ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो ये परोर वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है। हमारा डिसाइड ये है कि हम जाएंगे कांगड़ा फोर्ट, और बहुत ही हिस्टोरिकल फोर्ट है, देखेंगे जाके, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी शेयर करेंगे उसकी और आपको भी घुमाएंगे। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, घूमेंगे भी और घुमाएंगे भी। तो आपको मैं मिलाता हूँ अपने दोस्त के साथ, पहली बार मेरा ट्रैवल पार्टनर बना हुआ है। तो गाइज़ ये है मेरा दोस्त अमित संदल, जो कि पहली बार मेरे साथ ट्रैवल वीडियो पे आ रहा है और ब्लॉग में पहली बार आ रहा है, बिकॉज बाहर जॉब करता है, आफ्टर 3 इयर्स ये बैक टू इंडिया है, तो और मेरे साथ पहली बार वीडियो में आ रहा है साथ में। अभी हमें जाना है 45 किलोमीटर आगे, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, 12:30 हो चुके हैं, अभी 1 घंटा और लगेगा बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है अभी। तो चलते हैं, घुमाते हैं और भाई को हंसी आ रही है। ओके भाई, तसल्ली मिल चुकी है, जो गर्मी में आए ना पीछे एक सिप लगाते ही सारा दूर ऐसा लग रहा है। तो अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज के वाले रास्ता पकड़ लेंगे अभी आगे से, तो फिर वहाँ से थोड़ा कट होता है तो शॉर्टकट लग जाता है, 5-6 किलोमीटर जो ओवर हो देता है। फ्रॉम पालमपुर से अगर कोई कांगड़ा की तरफ जा रहा है, अगर कांगड़ा फोर्ट या टेंपल, तो ये आपका टांडा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वाला जो रास्ता है ये काफ़ी शॉर्टकट होता है, आपको मार्केट से बचा देता है, तो ये वाला टर्न काफ़ी बढ़िया है। तो आप जल्दी से 5-6 किलोमीटर काट के सीधा निकल सकते हैं इस वाले रास्ते से। तो गाइज ये वाला रास्ता जाएगा कांगड़ा फोर्ट, अभी यहाँ से रह चुका है कांगड़ा किला, कितना रहा होगा मित्तू भाई, 500 मीटर रह गया होगा। चलो भाई चलो, एंट्री टिकट जो है वो डिजिटल कर दी गई है, ऑफलाइन कोई टिकट नहीं हो रही है यहाँ। थोड़ा सा ये ओड सा लगा, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं उनके लिए तो ये डिजिटल जो टिकट है वो करवाना मुश्किल हो रही है, और जो मतलब हमारी तरह जो जल्दी से स्कैन कर ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बट जो ओल्ड एज जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है, तो बेचारे बाहर ही खड़े हैं अभी, पता नहीं, ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे। हाय बोलू भाई, बहुत अच्छा है भाई, आफ्टर 3 इयर्स में अभी आया हूँ तो देख रहे हैं जो पुरानी यादें थी आज नहीं हो रही हैं इधर आके, और हम दोनों देखते हैं फर्स्ट जो यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ पे भीड़ तो अभी आगे। सबसे पुराना किला है कांगड़ा का, और ये रंजीत सिंह द्वार
महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था ये गेट, और इसकी थोड़ा सा ये छोटा इसलिए है ताकि कोई सेना एकदम से अंदर ना घुस पाए। कांगड़ा किले का निर्माण कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कराया था। कटोच वंश का पता प्राचीन त्रिजटा राज्य से मिलता है, जिसका जिक्र महाभारत के अहम जनपद के रूप में किया गया। कांगड़ा फोर्ट को लेकर कई कहानियां हैं जो कि लूट विश्वासघात विनाश से जुड़ी हैं। ये ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले के पास बाणगंगा जैसी नदियां बहती हैं, जिसके अलावा अगर आप खुशकिस्मत हैं तो धौलाधार रेंज का आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिल सकता है। एक समय था जब कांगड़ा किला अपार धन के लिए मशहूर था। यही वजह थी कि इस पर महमूद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर ने हमले किए। 1789 में आखिरकार कटोच वंश के राजा संसार चंद द्वितीय ने मुगलों से अपने प्राचीन किले को जीता, लेकिन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किले पर कब्जा कर लिया। 1846 तक ये सिखों की देखरेख में रहा, उसके बाद ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो काफ़ी मशहूर मशहूर यहाँ की कहानियाँ हैं जो कि आपको गूगल में भी देखने को मिल जाएंगी, और जितना मुझे पता है मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गाइस, एनी गेस कि ये क्या चीज़ है? तेरे को पता मित्तु भाई क्या चीज़ है ये? हाँ भाई, यहाँ पे जो तोप और जो तीर के बोलते हैं उनको, तीर रोकते थे, मतलब यहाँ से ना सेना आराम से अटैक कर सकती थी बाहर के बंदे दुश्मन को। जब अकबर ने घेराबंदी की थी ना, तो यही चीज़ जो ये जो टेक्निक है ना, यही कटोच वंश और राजपूत वंश को बचा गई थी। देख सकते हैं गाइस, दिस इज अ माइंड ऑफ, काफी खुश है मेरी प्रजा यहाँ पे। सारी प्रजा को एक एक तोला सोना दिया जाएगा यहाँ। इस किले तक पहुँचना आपके लिए, मतलब समझ सकते हैं कि तीनों तरीके से आप पहुँच सकते हैं। बाई एयर पहुँच सकते हैं, बाई बस पहुँच सकते हैं, बाई ट्रेन पहुँच सकते हैं। बाई ट्रेन आप पठानकोट से टॉय ट्रेन चलती है, वहाँ से आप कांगड़ा मंदिर के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। बहुत ही चीपेस्ट होती है वो, 60 रुपीज़ में आप आराम से पहुंच जाएंगे। दूसरा बाई बस दिल्ली से लेके कांगड़ा तक बसेस चली रहती हैं, रात दिन नाइट बसें, सुबह की बसें सभी चली रहती हैं। बाई एयर दिल्ली चंडीगढ़ से आपको गग्गल एयरपोर्ट धर्मशाला, जो कांगड़ा का एकमात्र एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं, और वहाँ से टैक्सी करके आप कांगड़ा फोर्ट तक पहुँच सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप कांगड़ा फोर्ट रीच कर सकते हैं। अपनी गाड़ी हो तो भी गाड़ी गेट के सामने पार्क हो जाती है, और 20 रुपीज़ टिकट है इस किले की। अल्टीमेट मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे घूमने का, मतलब हिस्टोरिकल पार्ट है ये पूरा। तो चलो अभी देखो, अंधेरी गेट आ चुका है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री छुपी हुई है। आगे का व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है। एक डिसएडवांटेज बताऊं, मतलब जिनको चलना मुश्किल लगता है उनके लिए ये जगह जरा भी नहीं है, और जिनको घूमने का शौक है उनके लिए जगह ये है। अंदर जो है कोई रेस्टोरेंट, दुकान, शॉप वगैरह नहीं है। आपको खाने पीने का सामान जो है वो बाहर से ही लेके आना पड़ेगा। जब आपने एक बार टिकट कटवा ली तो अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वॉशरूम वगैरह है नीचे, बाकी व्यू तो आपको अल्टीमेट मिलेगा यहाँ पे। ये संपूर्ण भारत और संपूर्ण हिमाचल में सबसे पुराना किलों में से किला माना जाता है कांगड़ा किला, और इसमें 1615 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी, परंतु वो इसमें असफल रहा। इसके पश्चात सन 1620 में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा, जो इस क्षेत्र के सभी राजाओं में से सबसे बड़े थे, को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। यमुना गंगा, अगर किसी ने तितलियां वर्गा गाना सुना है तो ये शूट लोकेशन है इसकी, कांगड़ा फोर्ट की, और यहाँ पे हाडी संडू को बांधा जाता है, और यहाँ पे शरगुन मेहता डांस करती हैं और उनकी डांस सपोर्टर, और ये वो लोकेशन है तितलियां वर्गा गाना।
अंबिका देवी टेंपल, आदिनाथ जैन मंदिर। वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी हलचल लगी रहती है, लेकिन हम गए थे ट्यूसडे वाले दिन, तो यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी। तो लेकिन हमने जब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो लगे हुए थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। गाइज़ यहाँ पे फ़ोटो वगैरह रील्स वगैरह काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा और अमित भाई का। तो अमित भाई को ना भी करें तो चलेगा भाई, कर लेना, गरीब आदमी है। थोड़ा इसका भी 5-6 फॉलोअर्स बढ़ा देना। तो गाइज अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। एक पॉइंट भी तो है वहाँ पे, नाटी वगैरह करते हैं बंदे, ये नहीं है यार वो आगे, हाँ वो है। गाइस तो अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप कांगड़ा किला के, तो यहाँ से देखते हैं कैसा व्यू मिलता है हमें। काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, बचपन में आए हुए हम पेरेंट्स के साथ, आज हम घूम रहे हैं अकेले, बड़ा हो गया लौंडा। तो यार ये एक सबसे गलत बात की हमें यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला, भूख लपड़ी है ना अमित भाई। तो गाइस चेक व्यू, चेक करें। तो गाइस मेरे को ब्याट आ रही थी, गाइस दीवारों पर लिखना मना है, लेकिन काम आते हैं आजकल के आशिक, आजकल के आशिक काम आते हैं। कितना टाइम लगा हमें ऊपर आने के लिए, फोटो शूट वीडियोस वगैरह निकालते हैं भाई, एक घंटा तो हो गया। डिटी के ब्याह है तो गाइज अभी हम जा रहे हैं एंड पार्ट की तरफ, तो ये पार्ट अभी किले का एंड पार्ट है। अमित भाई आगे आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है, दिस इज़ द एंड पार्ट। और ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और यहाँ पे हम एक नाटी और करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। ये व्यू है भाई एंड पार्ट से, बहुत ही प्यारा व्यू है। राजा महाराजा मुझे लगता है यहाँ पे मीटिंग करते होंगे। सन पूरा हेड टू हेड है, चारों तरफ का नजारा देख लो आप, दिस इज द। ये ऊंचा इसलिए माना जाता था क्योंकि ये पहले किसी पहाड़ की चोटी पे है, और ऊपर से इसकी गहराई इतनी है कि किसी भी सैनिक का ऊपर चढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। और दूसरा गहराई आप भी देख रहे हो कि क्या ही बोलूंगा मैं, तभी ये हर राजा इस किले को पाना चाहता था। आगे हिस्ट्री आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे। ये सामने गांव का व्यू आप देख सकते हैं, कितना ही प्यारा व्यू है। और ये नीचे चल रही है बाणगंगा खंड और मांझी खंड, और आगे जाके इन दोनों का संगम होगा। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है यहाँ से। और ये जो एरिया आप देखेंगे अभी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि महाराजा रात को यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में बीच में पार्टी करते थे। पे ही हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, तो आई होप आपने ये कांगड़ा किले का जो ब्लॉग है वो पसंद किया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाला कोई भी ब्लॉग आप मिस ना कर पाएँ। और अमित भाई अभी 10-15 दिन और हैं, तो इनके साथ और ट्रैवल करेंगे हम, तो देखते हैं अभी। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग था, आई होप आपको ये ट्रैवल वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपको जल्दी ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है कैदियों के लिए जेल, छोटी छोटी
कैद खाने।